नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड फार्मिंग में। आज अपन चर्चा करेंगे जैसे कि भाई पाले की समस्या की। तो पाले की समस्या मेनली होती क्यों है? पाले की समस्या मेनली इसलिए होती है जो कि भाई अपने उत्तर पश्चिमी दिशाओं से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण, जैसे कि भाई अपने पौधे की कोशिकाओं में बर्फ़ जम जाता है और पौधे धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। तो इसका भाई उपाय क्या है? अपने पास 3-4 तरीके हैं जो आपको मैं बताऊँगा। ये अगर आप रेगुलर अपनाते हैं तो पाले की समस्या आपकी फसल में नहीं आएगी। तो पहला काम है जो तो अपनी देसी जुगाड़ है, जैसे कि भाई अपने उत्तर पश्चिमी दिशा में वृक्षों की बड़ी कतार खेत की उत्तर पश्चिमी दिशा में लगानी है, जिससे क्या ठंडी हवाएं नहीं आए खेत में और पौधों को नुकसान ना पहुंचे। दूसरा भी अपना जैसे कि भाई देसी जुगाड़ ही है, देसी तरीका ही समझ लो आप, जैसे कि भाई अपने को फसल के अंदर धुआं कर देना है। जैसे कि भाई अपने को लग रहा है आज पाला पड़ सकता है तो उस टाइम अपने को फसल के अंदर धुआं कर देना है, ताकि जिससे इसके अंदर जो नमी के कण है वो जमाव ना हो, पौधे के अंदर बिखरे रहे और इसमें पाले की समस्या पैदा ना हो। तीसरे पॉइंट पे अपन बात करें तो भाई रासायनिक क्या उपाय है, तो इस पर अपन गंदे का तेजाब 0.1% पर 10,000 लीटर के हिसाब से अपन स्प्रे कर सकते हैं, जिससे भाई अपनी पाले की समस्या नहीं आएगी। पाले की समस्या से पहले अपन क्या भाई इलाज कर सकते हैं फसल का, जैसे कि अपने को प्रॉपर तरीके से सिंचाई का ध्यान रखना है। जैसे भाई सर्दी के मौसम में सिंचाई पौधों को रेगुलर तरीके से देना है, जैसे दो तीन दिन से रेगुलर सिंचाई करनी है, जैसे कि वो भी सिंचाई भी अपने को फुहारा विधि से करनी है, जिससे पाले की समस्या नहीं रहेगी। चौथा पॉइंट अपन बात करें जैसे कि भाई अपने को क्यों होती है, पौधा इतना कमज़ोर क्यों हो जाता है, तो इसमें अपन क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट या न्यूट्रिशन का प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं रख पाते और पौधे में पाले की समस्या आ जाती है, क्योंकि पौधा कमज़ोर होता है और सर्दी के कारण वो मरने लगता है। जैसे कि ये पौधे देख सकते हैं आप, जैसे टोटल तरीके से सूख गए हैं, तो इनका अब कोई उपाय भी नहीं है। जैसे इनकी कटिंग हो सकती है, इसके अलावा इनका कोई उपाय नहीं है। अगर इनमें पहले अच्छी तरीके से बेसल डोज दिया होता तो ये पौधे ख़त्म भी ना होते, देखो एकदम सूख गए हैं ये पौधे। तो इसमें अपने बेसल डोज का भी प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है, जैसे गोबर की खाद वगैरह भी पहले अच्छी तरीके से देनी है। अपने जैसे भाई सागरिका है, पोटास है, फास्फोरस है, एनपीके वगैरह सारी सब मिक्सरित करके इनमें देनी है। जैसे भाई जिंक सल्फेट है, ये भी हम अपने बेसल डोज के तौर पर काम में ले सकते हैं। नाइट्रोजन की मात्रा है जो अपने को बेसल डोज में आधी पहले देनी है, आधी फसल की ग्रोथ के बाद में देनी है, और बाकी की जैसे पूरी मात्रा है जो अपने को बेसल डोज में ही देनी है, जिससे क्या अपना पौधा मजबूत हो जाए और जैसे सर्दी का ज़्यादा प्रभाव पौधे के ऊपर दिखाई ना दे। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हौसला बढ़ाए रखें, ताकि हम भी अच्छे अच्छे वीडियो लेके आते रहें।